प्यारे बच्चों, एक कैपेसिटिव सर्किट है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें और एक ईएमएफ सोर्सेस दिया रखा दे रखा है, एसी सोर्स दे रखा है इसमें। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर मान लीजिए आप इसमें करंट निकालना है, मेरा अप्रोच क्या, टारगेट क्या है, करंट निकालना, तो हम पहले चार्ज देखेंगे। चार्ज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू सी, ठीक है, तो या वी इंटू सी लिख लो या सी इंटू वी लिख लो, बात है। तो वी का रोल कौन प्ले कर रहा है, ईएमएफ, ओके। तो Q इक्वल टू, सिंस यहाँ लिख लो Q इक्वल टू, तुम क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, C तो है ही E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, dQ अपॉन dt, क्या मैं बातें समझ में आ रही है। तो I इक्वल टू इतना होगा, तो dQ की जगह पर कितना लिखेंगे बता, C इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन dt, ओके। तो I इक्वल टू जो है ना C E नॉट D साइन ओमेगा T अपॉन dt, तो I इक्वल टू हम लिखेंगे C E नॉट, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा T। क्या मैं इतनी बातें समझ में आई। अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, इसलिए लिख दिया cos। और यहाँ पर I इक्वल टू जो है ना, ये जो है E नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ओके, ये हमने नीचे लाया इसमें E नॉट अपॉन, ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, वैसे इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो मतलब कहने का, तुम यहां पर ये I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस द्वारा ऑफर किया जाएगा करंट के फ्लो में, ये करंट फ्लो होगा ना इसमें, तो इस करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो लगता है रेजिस्टर द्वारा, उसमें आयन सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ डिवाइसेज है, डिवाइस है, तो कैपेसिटर है, तो ये जब अपोज करेगा तो इसको कहते हैं रिएक्टेंस। क्या मैं बातें समझ में आ रही, तो वन अपॉन ओमेगा सी, तो I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा सी ओमेगा टी, ओके। अब यहां पर मतलब यहां पर तुमको लिख लेना है, यहां पर लिखना है, ये चीज हम बाद में क्लियर करेंगे और डिफाइन करेंगे इसको ओमेगा सी को, अभी हमारा मेन जो उद्देश्य है इसका फेज डिफरेंस चेक करना है करेंट एंड EMF का। तो यहाँ तक x इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, और ये जो एक दूसरा चीज भी लिख लो हेयर, I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब इसमें ना आपको क्या करना है, इसको समझना है इस बात को, आगे देखिए, I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी लिखना है, तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिखना है, आई बाई टू प्लस ओमेगा टी। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, मतलब ऐसे नहीं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है तुमने पढ़ा होगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा को हम इतना नहीं लिख सकते रिवर्स में, ये कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो साइन में हमने लिख दिया इतना। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, तो ये इतना हमें अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, वन स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ये बताइए कि इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, किसके किस बीच, करंट एंड ईएमएफ में, ई साइन, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई टू, वन प्लस टू लिखो या टू प्लस वन लिखो, बात तो एक ही, आने तो थ्री ही है, तो ये चीज तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें फेज डिफरेंस तुमको निकालना है, किसके किसके बीच निकालना है, साइन मतलब ईएमएफ एंड करंट के बीच, तो तुम देखोगे कि करंट लीड कर रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, प्लस फाइव जब रहता है तो क्या लिखते हैं, लीड करना, और जब माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, लैग्स। तो हियर करंट लीड्स बाय फेज एंगल पाई बाई टू टू ईएमएफ से करंट फेज एंगल पाई बाई टू से लीड कर रहा है, समझ में आ रही बात, इतनी क्लियर हो रही कॉन्सेप्ट।
तो आगे बढ़ो, ये लैग लीड का तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया तूने, अब इसका तुम ग्राफ ड्रा करो। पहले तो ग्राफ बना लो, ग्राफ तूने ऑलरेडी फेजर डायग्राम में बनाया है, इस पर सॉल्व किया +π/2 रहता है तो, लेकिन एक बार और कर देता हूँ। ग्राफ बिटवीन ई एंड आई, आई के बीच ई, ग्राफ ऑफ ई और आई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, टाइम के साथ उसका ग्राफ क्या है, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये जैसे ऐसे लिखेंगे ना आप, तो ये ई एम एफ होगा और आई होगा और ये टाइम है, इसको हमको लिखना है। तो देखिए ये जो है ना, ये ऐसे, क्या क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये ई एम एफ है, और करंट का अगर लिखना है तो करंट का अगर लिखेंगे तो, क्योंकि वो किसका ग्राफ बनाना होगा यहाँ पर, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का तो यहां से आएगा ये ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ग्राफ, क्योंकि इसमें जो वैल्यू जो होगा ईएमएफ का वो बड़ा होगा करंट से, तो ये ऐसे है, इसमें थोड़ा सा ये छोटे कर लो, बाकी सब ठीक है। अब थोड़ा सा समझ भी लो, देखो ये जो है ना, ये क्या 0 है, ये T/4 होगा, ये T/2 होगा, ये 3T/4 होगा, और ये जो होगा यहाँ तक, ये टाइम पीरियड T होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है, कितना से लीड कर रहा है, करंट ए से लीड। ये अच्छा, इसमें कौन है करंट? करंट जो है ये नहीं है, करंट तो ये वाला है, ब्लू वाला, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ये ई एम एफ है, और ये ब्लू वाला क्या है, करंट की वैल्यू है। ओके, ये करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर साइन के टर्म में लिखना है तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी +π/2। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये होगा तुम्हारा यहाँ पर करेंट की वैल्यू, ओके, ये वाला। अब ये तो हो गया तुम्हारा साइनसोइडल ग्राफ, ओके। अब हमें करना है फेजर डायग्राम ड्रा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इधर करूँ, ठीक है, इसको रहने दो, ग्राफ रफ कर देता हूँ मैं, फिर इधर करते हैं यहाँ पर फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम में क्या करना है ये समझ, देखो इसमें, इसमें तो क्लियर है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब तुमको जो ट्रिक बताया ना उसी से बनाना है, तुम पहले ईएमएफ को प्लॉट करो। ईएमएफ कितना है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके बाद करंट को प्लॉट करना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी +π/2। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो साइन ओमेगा टी ईएमएफ लिखना है ना, तो कितना लिखा, ऐसे लिखोगे बताओ, यहां से ऐसे, तो ये ईएमएफ की वैल्यू हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर ये 90 डिग्री है तो ये प्लस में हो जाएगा यहां से, ये ऐसे हो जाएगा, कितना होगा ये π/2। तो ये इसको क्या कितना लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी +π/2। ओके, तो क्लियर हो रही बात है, मतलब यही है फेजर डायग्राम। अब π/2 ये एंगल बन गया, इसको डिनोट कर रहे हैं इससे, क्लियर है। चाहते तो ऐसे वाला भी बनाते, लेकिन ये इतना माथाफोड़ी नहीं करना अपन को, यहां से ये लेते हैं पहले ई एम एफ बना ली ओमेगा टी, और फिर π/2 से ऐसे कर देते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई डैश है, और इसके बीच का एंगल होता है π/2। तो ये जो होता है ये ई नॉट, मतलब ई को रिप्रेजेंट करता है, ये आई को रिप्रेजेंट करता है, फिर ऐसे करके ऐसे होता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो ये ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ज़्यादातर केस। ये क्लियर हो चुका होगा तुमको फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम क्लियर हो गया तो हम करते हैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है। इसमें क्लियर हुआ कि करंट जो है π/2 फेज से लीड करेगा, π/2 एंगल से लीड करेगा, ठीक है। तो फेज एंगल π/2 से लीड करता है, इसमें करंट लीड्स बाय फेज एंगल π/2 टू ईएमएफ, मतलब ईएमएफ से लीड करेगा, ये क्लियर रखना।
याद रखना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, कभी कभी ग्राफ बढ़ा देता है और इसमें ये ग्राफ दे देगा और तुमसे पूछेगा कि किसका सर्किट है, कौन सा सर्किट है, तो प्योरली कैपेसिटिव या रिएक्टिव या इंडक्टिव क्या है, तो प्योरली कैपेसिटिव का है, करंट लीड कर रहा है इसमें, ठीक है। तो अब करंट अब लीड ही तो कर रहा है, ये देखो इधर ये 0 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, तो लीड ही करना हो गया ना। अब यहाँ पर हमें ये लिखना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एक्ससी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्ससी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आई है आपको वो कितनी आई है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है इसको रफ कर देते हैं, फिर समझते हैं। इसकी जो वैल्यू आई हुई है वो कितनी आएगी बेटा, एक्स इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। और इसी चीज को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, 2 πf × c। ये फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो सपोज करो कि हमें ग्राफ ड्रा करना हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच, जो अक्सर आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखो ग्राफ बिटवीन एक्ससी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो तुम कैसे करोगे, ये एक्ससी है और ये फ्रीक्वेंसी है, क्या मैं बातें समझ में आ रही, ये इस तरह से, ये तो ये ग्राफ है एक्स एंड फ्रीक्वेंसी के बीच। अब हमें क्या करना है कि अगर मान लो सपोज करो कि इसको जस्टिफाई करना है, एफ इज इफ इफ एसी है तो ठीक है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इफ करंट इज डीसी, अगर करंट डीसी है तो, करंट डीसी है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, इनफिनिट, इक्वल टू तो नहीं होगा, ये टेंस करेगा इन्फिनिट, अगर फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी। तो यही इसीलिए कहते हैं कि डीसी को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता, मतलब कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू फ्लो, मतलब कहने का अगर मान लो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और इससे पास करेगा डीसी तो वो जाने नहीं देगा अपने थ्रू, क्या मैं बात समझ में आ रही है, लेकिन एसी को जाने देता है। देखो एक तरीका होता है इसको दिखाने का, एसी ऐसे करके घूम करके चला जाता है, ठीक है, ऐसे कहते हैं, वैसे वो तो जाता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू ही, लेकिन डीसी को अलाउ नहीं करता, समझ में आई बात है। तो यहाँ पर लिख लो कैपेसिटर डज नॉट, क्योंकि रेजिस्टेंस देख कितना ऑफर कर देता है वो डीसी को, इन्फिनिटी, तो कहाँ से पास होगा, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट, ने थ्रू पास नहीं करने देता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट, ओके। ये है कंप्लीट एनालिसिस तुम्हारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में प्योरली इंडक्टिव सर्किट को पढ़ेंगे, ओके। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।